हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किटी देवराज चैनल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आया अस्तर वाली पोशाक सिलने के लिए, तो मैं यहाँ पे जो है कुर्ती और कांचली की स्टिचिंग बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको कटिंग बता देती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो स्टेप बाय स्टेप आएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुर्ती के लिए जो साइज़ आप सिर्फ एक कपड़ा लेते हैं, वैसे ही आपको सिर्फ एक कपड़ा लेना है और उसके नीचे सेम टू सेम उसी के जैसा अस्तर कट कर लेना है। चौड़ाई लेंथ आप अपनी साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी साइज़ के हिसाब से ले लिया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ जो है मैंने लगभग इसकी 28 ली है, पर इसमें से जो है मैं नीचे से कट करूँगी 2 इंच, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरे 26 तक। और अगर मैं देखूंगी तो 1-1 इंच से ज़्यादा सिलाई में चला जाएगा, तो मेरे जो है वो उससे भी कम पड़ेगा, लगभग 23 इंच तक ही मेरे कुर्ती जो है वो रहेगी। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे बराबर आपको अस्तर लेना है। जैसे ना ये आपने कटिंग कर रखा है, इसके नीचे आप ऐसे कैसे अस्तर की भी कटिंग करके उसे नीचे ऐड कर लें और फिर बाकी की कटिंग करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों पार्ट्स की बराबर कटिंग होगी। तो देखिए मैंने जैसे अस्तर ये है कट कर लिए हैं बराबर 2 पीस में, जिसमें से एक फ्रंट और एक बैक वाला होगा। और उसी तरह से ये कुर्ती के भी जो आपको प्योर का कपड़ा दिख रहा है, ये भी फ्रंट और बैक दोनों का है। तो देखिए मैंने बैक वाला जो है सबसे पहले नीचे रखा और उसके ऊपर उसका अस्तर रख दिया, फिर उसके ऊपर अस्तर रख के और ऊपर वो कपड़ा रख के उनको सिल लिया। तो देखिए अब मैंने बैक वाले को उसके हिस्से पे और जो फ्रंट वाला कपड़ा है उसको उसके अस्तर के साथ में सिल लिया है। तो आपको सेम ऐसे ही करना, जैसे मैंने इस फ्लोवर के अंदर जो है सुई से बिल्कुल बारीक बारीक से सिलाई ली है, ताकि इससे क्या होगा, ये जो है कपड़ा वो खिसकेगा नहीं। बीच में आप भी अगर चाहें तो कोई ऐसी डिज़ाइन है उसके ऊपर, या फिर ये ग्रीन कलर के कपड़े से भी आप जो है एक दो कॉर्नर में बिल्कुल बारीक बारीक सी एक सिलाई ले सकते हैं, जिससे वो बिल्कुल बराबर हो जाए। अब मैंने कुर्ती को जो है वापस फोल्ड कर दिया है, ताकि हम इसके शोल्डर की और नीचे के जो ओपन हिस्सा रहता है उसकी कटिंग कर सकें। तो देखिए यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा गोलाई में कट करना है, तो मैं 8 इंच इसको जो है लेंथ में ले रही हूँ और लगभग 3 इंच इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ, ठीक है, ये देखिए 3 इंच तक। तो अब अपन को इसे जो है यहाँ से कट करते हुए बिल्कुल गोलाई में लेना है, ऊपर से अपन को नीचे दाना है और देन थोड़ा सा इसको गोल करते हुए नीचे तक ले लेना है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो अगर आप आपकी हेल्थ ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, वगैरह अगर आपकी साइज़ जो है 34 तक है तो ये साइज़ आपके लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको लेते हुए थोड़ा सा नीचे पहले सीधा लूँगी और देन थोड़ा सा मैं जो है इसको गोलाई में कट कर लूँगी। तो ये जो है कुर्ती के शोल्डर कटिंग कर रही हूँ मैं, तो इस तरह से आपको ये धीरे धीरे कट करना है। पहले अगर आप ये हाथ से सिलाई नहीं लेते हैं तो ये आपके लिए, इसलिए मैं अगर चाहती तो इसे ऐसे भी कट कर सकती थी, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप हाथ से कटिंग करते हैं, ये हाथ से सिलाई लेने के बाद कटिंग करते हैं, तो एक परफेक्ट कटिंग होती है, मतलब कपड़ा हिलता नहीं है या आगे पीछे नहीं होता, फिसलता नहीं है, जिससे आपकी कटिंग जो है सही होती है। तो देखिए यहाँ नीचे वाले हिस्से की जो मैं कटिंग कर रही हूँ उसकी लगभग 1 इंच तक की चौड़ाई और वही 8 इंच तक की इसकी लंबाई वाला हिस्सा लेकर मैंने यहाँ पे भी इसको जो है कट कर लिया है। सेम इसी तरह से जो है मैं आपको अब ये कुर्ती को खोलूँगी और जो अपन दूसरे कपड़े की कटिंग करते हैं वैसे वैसे मैं यहाँ पे कुर्ती के नेक की कटिंग करके दिखाऊँगी। बस इसके अंदर ये है कि ये अस्तर ऐड वाला कपड़ा है। देखिए ये कच्ची सिलाई लेने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कटिंग करने में बहुत इजी रहता है, इसलिए आपको मेहनत तो लगेगी एक एक कपड़े की सिलाई लेते हुए, बट कटिंग करने में इजी रहेगा, तो ये मेरे ख्याल से आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप मशीन से सिलाई ले सकते हैं, लेकिन मशीन से इतना सही नहीं रहता है क्योंकि कपड़ा खींचने से लगता है कई जगह से। अब देखिए आप इस तरह से जो है ये कटिंग करके रखें फार्मा और फिर उसके बराबर साइज़ से आप थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए गोलाई में कट कर लें। तो ये यहाँ पे मैंने जो है नेक वाला हिस्सा कट कर लिया, तो यहाँ पे जो है मेरी कुर्ती जो है पूरी कटिंग होके तैयार हो चुकी है। अब मेरे को सिर्फ इसे सिलना है, तो मैं कुर्ती को कर दूँगी साइड में और मैं अब आपको दिखा देती हूँ कांचली की कटिंग। तो चलिए अगर आपने जो है इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट कच्ची सिलाई लेके कुर्ती कटिंग की होगी तो कहीं मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए अब अपन कुर्ती को साइड में कर देते हैं और मैं आपको कांचली की कटिंग दिखा देती हूँ। अब हम जो है सबसे पहले कट करेंगे कांचली की स्लीव्स, तो उसके लिए आप 17 से 18 इंच तक की उसकी लेंथ ले सकते हैं।
और चौड़ाई जो आप अपनी साइज़ है अपनी बाहें माप लें उस हिसाब से ले लें। और अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी साइज़ से एक्स्ट्रा लिया है ताकि मैं अंदर सिलाई रख सकूँ। तो ये डबल करके हैं, ये जो है लगभग इसके नीचे भी आपको अस्तर डालना है। और पहले मैं सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको कट करके दिखा रही हूँ और बाद में आपको उनके बराबर जो है कपड़ा कटिंग करके साथ में अस्तर लगा लेना है। ये जो कपड़ा है इसको अपन छोटे खड़पे में यूज़ में ले सकते हैं, तो इसकी लेंथ आप 8 से 9 इंच तक का ले सकते हैं इसको लंबाई में, और चौड़ाई में ये लगभग 6 इंच तक का है। तो ये देखिए इस तरह से जो खड़े वाला हिस्सा है वो 6 इंच है और लंबाई में वो थे। तो ये छोटा खड़पा भी अपन ने कट कर लिया। अब अपन करेंगे कटोरे जिसे आप बोलते हैं या टुक्की, उसकी कटिंग करेंगे। तो वो ऐसे 7 इंच होगा और गोलाई में ऊपर कटिंग करते हुए वो हो जाएगा 6 इंच। इनके नीचे मैंने अभी अस्तर ऐड नहीं किया, आप इनको बराबर रख के अस्तर कट कर सकते हैं। और ये है जो अपने बड़े खड़पे जो मैंने 8 इंच चौड़ाई में लिए, छोटे खड़पे 6 इंच थे इस तरह चौड़ाई में, और 13 इंच तक के या 12 इंच तक के मैंने इनको लेंथ में लंबा लिया है। तो देखिए सारे पार्ट्स कट हो गए। अब रह जाता है कुर्ती का जो अपन ने नेक निकाला था वो, उसका कांचली का सेंटर वाला हिस्सा बनता है जिसे अपन बाड़ बोलते हैं। आप कुछ और बोलते होंगे बट इसे मैं बाड़ बोलती हूँ। तो उसका भी अपन को छोटे खड़पे के साइज के हिसाब से 6 इंच का लंबा ले लेना है, ठीक है, और उसे कट कर लेना है। तो देखिए सारे हो चुके हैं, ये बड़े खड़पे, बाहें कांचली की, और ये सेंटर वाला हिस्सा कुछ कांचली का, ये टुक्की, और ये छोटे खड़पे, और ये मंगजी का कपड़ा। तो सारा जो है यहाँ पे कटिंग हो चुका है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।